नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्वाद हमेशा में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बैंगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और बैंगन आलू की सब्ज़ी मैं नए तरीके से बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिया है और आधा किलो आलू है, दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं, पांच टमाटर हैं और मैंने एक गाँठ लहसुन छील के रखा है। सबसे पहले हम बैंगन को काट लेंगे और काट के हम पानी में डाल देंगे। मैं ज़्यादा छोटा छोटा नहीं काटूंगी क्योंकि तुरंत बैंगन को काट के पानी में ही डालना रहता है, नहीं तो बैंगन काले पड़ जाते हैं। इसी तरह मैं सभी बैंगन को काट लूँगी। देखिए मैंने बैंगन को अच्छी तरह से काट के पानी में डाल के रख दिया है। अब मैं इसको पानी से बाहर निकाल दूंगी और आलू को भी मैंने चार टुकड़ों में काटा है। प्याज का हम पेस्ट बनाएंगे, प्याज और टमाटर और लहसुन का हम पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। हम बैंगन और आलू को फ्राई करके बनाएंगे, इसलिए हमको फ्राई करें इतना तेल लेना है हमको। तेल को हम गर्म होने देंगे पहले। बैंगन में हम हल्का सा नमक डाल देंगे, बैंगन को हम नमक डाल के फ्राई करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसी में बैंगन डाल देंगे। हम बैंगन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हम बैंगन को अच्छी तरह से ब्राउन होते तक के फ्राई करेंगे। देखिए बैंगन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें आलू फ्राई करने डाल देंगे, आलू को भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आलू को भी हम ब्राउन होते तक फ्राई करेंगे और आलू में हमने थोड़ा सा नमक डाल के रखा है। देखिए आलू को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, अब हम आलू को भी एक प्लेट में निकाल देंगे। तेल हमारा बहुत ज़्यादा है, तेल हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। तेल हमने कम कर दिया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। आधा चम्मच हींग डालेंगे। प्याज का पेस्ट डालेंगे।
हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और टमाटर का भी हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए प्याज को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। थोड़ी देर हम टमाटर के पेस्ट को भूनेंगे। टमाटर को भी हमने थोड़ी देर भून लिया है, अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर भूनेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से पहले भूंज लेंगे। देखिए मसाला को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, अब हम इसमें आलू और बैंगन दोनों को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे। अब हम इसमें एक गिलास इतना पानी डालेंगे। और ज़्यादा देर हम इसको पकाएंगे नहीं, बस एक उबाल आने देंगे अच्छी तरह से। इसे मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाला है। ऊपर से हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। सब्जी को ढक देंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे। देखिए सब्जी हमारी बन चुकी है, अब हम ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आलू भट्टे की सब्जी हमारी बनके तैयार है। और ये जैसे शादियों में बनता है उस तरह से हमने बनाया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और सब्जी को ढक देंगे। मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए हमारे आलू भट्टे की सब्जी बनके तैयार है। देखिए हमारे आलू भट्टे की सब्जी बनके तैयार है। बिल्कुल शादियों में बनता है उस तरह से मैंने बनाया है। इस तरह से एक बार आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, दाल चावल के साथ, सब्जी चावल, पराठे के साथ, जैसे भी खाना चाहे खा सकते हैं। सब्जी बहुत टेस्टी बनी हुई है। अगर आपको मेरा आलू भट्टे का सब्जी बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।